बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रस्तनाव के बारे में बताया था। प्रस्तनाव क्या होता है? कोई भी द्रव का स्वतंत्र प्रस्थ हमेशा अपने अपने प्रस्थ को न्यूनतम करना चाहता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रस्थ तनाव बोलते हैं। तो इसको हम ऐसा डिफाइन करते हैं, मान लीजिए ये प्रस्थ किसी द्रव की स्वतंत्र सतह है, उस पर हमने एक लाइन खींची, इसकी लेंथ एल के इक्वल है, तो ये वाला सरफेस इधर, ये वाला सरफेस इधर होगा, तो इस लाइन के ऊपर एक टेंजेंशियल या स्पर्श रेखी बल लगता है। इस बल को प्रति एकांक लंबाई लेके चलते हैं, तो ये मेरे पास पृष्ठ तनाव कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाने लगता है। ठीक है, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर के मान के बराबर होता है। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को मैं पृष्ठ तनाव कहता हूँ। अब पृष्ठ तनाव को एक और कॉन्सेप्ट में यहाँ करते हैं, पृष्ठीय ऊर्जा। इसको समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, मान लीजिए ये आपने एक रेक्टेंगल फ्रेम लिया पी क्यू आर एस, इसमें एक मूवेबल वायर लिया ए बी, ये ठीक, ये कैसा होगा, इसकी लंबाई एल है और यहां पर क्या होता है, ठीक है, ये यहां पर क्या हो जाती है, इसकी झिल्ली बन जाती है। जैसे आप सर्फ या साबुन का घोल बनाइए और एक फ्रेम में ऐसे डालिए तो एक पतली फिल्म बन जाती है, वही पतली फिल्म यहाँ से यहाँ तक होगी। मान लीजिए प्रारंभ में इसकी स्थिति यहाँ पे थी, ए और बी पे थी, अब इसके ऊपर बल लगा तो इसने अपनी पोजीशन ए डैश बी डैश ले ली और यहाँ पर इसका विस्थापन डेल एक्स हो गया, और अगर इसको हमें वापस लाना है तो इसके ऊपर बल एफ हम लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए पृष्ठ की, या इसको ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं, पतली फिल्म ठीक ए बी ए क्यू आर बी द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण अपनी स्थिति कौन सी ले ली इसने, स्थिति ए डैश बी डैश पर कर ली, पुनः ए बी स्थिति पर आने के लिए बाह्य बल F लगाया जाता है तो किया गया कार्य। देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये यहाँ पर एक्चुअल में ये यहाँ पर थी, अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ तो स्टार्टिंग में ये फिल्म ऐसे थी, ऐसे, ठीक है, और पृष्ठ तनाव के कारण ये ऐसे आ गई, और अगर मैं इसको वापस लेके आना चाहता हूँ तो कितना बल लगा रहा हूँ, बल एफ लगा रहा हूँ, तो क्या हुआ कार्य जो होगा, वो क्या हुआ कार्य, पृष्ठ तनाव
पीस है तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एल के इक्वल आ जाता है, इसलिए एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी इंटू एल के मान के बराबर। ये समीकरण एक में मान रख दीजिए इसका, ठीक है। यह आ जाएगा मेरे पास समीकरण एक में मान, ठीक। डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना जाएगा, कितना लिखा है, एफ इंटू डेल एक्स, एफ कितना हो गया हमारे पास, टी इंटू एल इंटू डेल एक्स, ठीक है। एल इंटू डेल एक्स, देखिए अगर मैं डायग्राम में होते जाऊं तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इतने के क्षेत्रफल के मान के बराबर हो गया। तो अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो ये कैसा हो गया, डेल ए बराबर क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F इक्वल टू टी इंटू डेल ए, और यही कार्य पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में यहाँ पर, ठीक है, एकत्रित हो जाता है। इसलिए T को हम ऐसा भी नोट कर लेते हैं, T इज इक्वल टू W अपॉन डेल ए के मान के बराबर आता है। यह है मेरे पास पृष्ठ तनाव कहलाने लगता है, ठीक है। और यही किया गया कार्य पृष्ठीय ऊर्जा कहलाता है। तो T इज इक्वल टू कितना हो गया, W अपॉन डेल ए, तो W इक्वल टू T इंटू डेल ए के मान के बराबर होता है। एक मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ बूंद के अंदर आधिक्य दाब। तो बूंद के अंदर आधिक्य दाब को हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये बूंद है, ठीक, इसके त्रिज्या आर के मान के बराबर होती है, ठीक है। इसके अंदर का दाब पी वन है। अब अगर अधिक दाब है तो ये बूंद क्या हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो इसकी त्रिज्या आर प्लस डेल आर के मान के बराबर होती है, यानी ये कितने के बराबर हो गई, डेल आर के मान के बराबर। अगर बाहे दाब P2 है, P1 अंदर का दाब है, ठीक है, तो अधिक दाब P बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, P1 माइनस P2 के मान के बराबर होता है। इस P को मैं अधिक दाब कहता हूँ और ये अधिक दाब P की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए है ना, अगर ये यहां से हो रही है तो दाब द्वारा किया गया कार्य W बराबर कार बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक। तो यहां पर बल कितना है, F जो अधिक दाब के कारण है उसको अपन कैलकुलेट करते हो, विस्थापन कितना हो रहा है, डेल आर। अब अधिक दाब पी बराबर एफ अपॉन ए के मान के बराबर है तो क्या हुआ कार्य, डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी इंटू ए इंटू डेल आर, ठीक। पी ये एक जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है, उसका क्षेत्रफल कितना होता है, फोर पाई आर स्क्वायर डेल आर के मान के बराबर होता है, ये इसकी इतनी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। यदि पृष्ठ तनाव किया गया
कार्य। अब भी मैंने आपको बताया कि क्या हुआ, कार्य कितने के बराबर होता है, टी इंटू डेले, डेले बराबर क्या आ जाता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो टी। अभी बूंद आपके पास कितनी थी, त्रिज्या आर की थी, ये ठीक, ये आपके पास त्रिज्या आर की थी, अब कितनी हो गई है, आर प्लस डेल आर, तो इसका क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ये कितना जाएगा, फोर पाई आर प्लस डेल आर होल स्क्वायर, क्योंकि किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, फोर पाई आर स्क्वायर, ये बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल, फोर पाई आर स्क्वायर, इसको आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, डब्लू इक्वल टू टी इंटू फोर पाई आर प्लस डेल आर का फॉर्मूला लगाइए, आर स्क्वायर प्लस टू आर डेल आर प्लस डेल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर कैंसिल, डेल स्क्वायर, ऐसा नहीं होता कि बूंद बहुत बड़ी हो गई, बूंद बहुत छोटी बनती है, इसलिए हम जो इसमें परिवर्तन हो रहा है डेल आर स्क्वायर, इसको अप्रॉक्सीमेट जीरो मान लेते हैं, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू फोर पाई इंटू टू आर डेल आर के मान के बराबर आ गया, ठीक है। तो देखिए समीकरण एक एवं दो से दोनों को आप बराबर कर लीजिए, ये देखिए पहला समीकरण कितना है, पी इंटू फोर पाई आर स्क्वायर डेल आर, ठीक, तो इसको आप कर लीजिए, पी इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर, क्योंकि एक हमारे पास मैकेनिकल वर्क हो रहा है और एक कैसा हो रहा है, पृष्ठ तनाव के कारण हो रहा है, पी इंटू फोर पाई टू आर डेल आर दिया गया, ये फोर पाई कैंसिल, डेल आर कैंसिल, ठीक है, एक आर कैंसिल, आपके पास कितना होगा, यहाँ पर आप सॉल्व करिएगा, तो बूंद के अंदर आधिक्य दाब पी बराबर टू टी अपॉन आर के मान के बराबर आता है, ये मेरे पास रिजल्ट आता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको याद से कर लीजिएगा, ठीक है।